साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों जो हम आपको मल्टीप्लाई बता रहे थे उसी के आगे और भी प्रश्नों का मल्टीप्लाई आज बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बैंक का हो गया, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हो रही है वो सारे के सारे जो है ऑनलाइन हो रही है। तो हमको चाहिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए, तो उसका हम प्रयास करते हैं कैसे हम जो है और भी क्वेश्चनों का कैसे हम जल्दी से जल्दी हल कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि उसको कैसे करेंगे। तो पहला हम चलते हैं, हमने आपको बताया था कि यदि 25 और 25 का मल्टीप्लाई किया जाए, हमने क्या बताया था 25 × 25, यदि ये सेम है और 5 है तो उसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमने कहा था इसका इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 25 आ गया। यदि ये सेम है, दो यहां भी है दो यहां है, दोनों सेम हो गया, अगर ये सेम हो गया तो क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, तीन हो गया। अब तीन में इधर गुणा कर देंगे कितना हो गया 6 हो गया। ये हो गया एक क्वेश्चन और इसमें दे रहा है। फिर आपको हम दूसरे टाइप बताएंगे, जैसे हमने कहा 35 × 35 हमारा क्या हो गया सेम हो गया। तो सबसे इजी क्या है, इजी हमने आपको बताया कि यहां इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25। फिर यहां एक बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, 4 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 = 12 हो गया। तो ये आपका हो गया आंसर हो गया। लेकिन यदि ये सेम नहीं हो, फाइव हो लेकिन सेम नहीं हो, तब उसके लिए क्या करना है, तब उसके लिए आइए देख लेते हैं उसके लिए क्या करना रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास आ जाए कि 35 × 45, तो उसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। यहां क्या करना है, यहां भी वैसे ही करना है, इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब यहां मेरा पास बड़े वाली संख्या कौन है 4 है, जो बड़ी वाली संख्या होगी उसी को पकड़ लेंगे, बड़ी वाली संख्या मेरी कितनी है 4 हो गई। अब 4 को ले लेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 5 × 3 = 15 हो गया। यहां पे एक चीज ये ध्यान देना है, यदि एक का अंतर हो, अंतर कितने का हो, अंतर एक का हो, एक का हो तो 50 ऐड करेंगे, 2 का अंतर हो 100 का, 3 का अंतर हो 150, उसी में ऐड करते चले जाएंगे। तो इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, इसमें 75 हो जाएगा। देख लीजिए इजी हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको देखते लगा देना है, जैसे और भी आपको दे दे रहे हैं, जैसे मेरे पास हो गया 45 × कितना हो गया 55, हमारा क्या हो जाएगा सेम ऐसे करेंगे, आइए देख लेते हैं हो गया 25, यहां एक ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया एक ऐड करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, कितना हो गया 24, प्लस क्या करेंगे 50 ऐड कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 50 ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का है, जब 1 का डिफरेंस हो तो कितना ऐड करना है 50 ऐड करना है। तो चलिए कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इतना हो गया कि नहीं हो गया, आइए देख लेते हैं कितना बढ़िया इजी तरीका हो गया। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, अगर हमारा ये डिफरेंस बढ़ जाए तब क्या करेंगे उसको देखना है। जैसे मेरे पास क्या करना है, सपोज दैट मान लेते हैं 45 है, फिर यहां एक्स्ट्रा कर दिए, हमने क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया 2 बढ़ा दिया, आइए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। यहां है 5, यहां क्या है 5, मल्टीप्लाई करिए 25, यहां मेरे पास 6 है एक ऐड करिए 7 हो गया। अब ये 7 का इसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 28, अब मेरे पास डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 100 ऐड कर दीजिए, तो 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2825 में 100 ऐड करेंगे 2925, देखिए आंसर हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, केवल आपको ट्रिक समझना है। फिर हम एक और ले लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 35 ले लिया और 75 ले लिया, भाई हम बड़ा क्वेश्चन चलते हैं और नंबर्स ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे उसको भी देख लेंगे, इसका क्या हो जाए 25 हो जाए। यहां नंबर जो बड़ा होगा 7 है
बड़े नंबर कौन है, सेवन है, सेवन में एक ऐड कर देंगे एट हो जाएगा, एट में थ्री का मल्टीप्लाई 24 हो गया, दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का। अब 50 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ गया, कितना आ गया 200 आ जाएगा, तो 200 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो 200 जब ऐड करेंगे तो 2600 कितना हो गया 25 हो गया, 2625 हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे उन सबको आपको देखते ही आंसर लगाना है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे अभी और क्वेश्चन आपको जो करा रहे हैं वो आपको पता चल जाए कि कैसे हमको करना है और कैसे हमारा फास्ट हो जाए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। अगला देख लीजिए, दूसरा टाइप हो गया, ये तो मेरा 5 का था, ये तो निकल गया, लेकिन यदि इसके अलावा भी अगर जो है और भी मल्टीप्लाई आते हैं उसको देखते हैं। आइए देख लेते हैं, जैसे मेरे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, सपोज दैट मान लेते हैं मेरा जो है 99 into 91, सपोज दैट 99 into 91, इसका मल्टीप्लाई आपको करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे इजी है, आइए देख लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 09, अब यहां 99 सेम है तो एक ऐड कर लेंगे, एक ऐड कर लेंगे 10 हो गया, अब 10 में इसका मल्टीप्लाई 90 हो गया, फिर यहां एक ऐड करेंगे 10 हो गया, अब 10 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप अगला हम चलते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास आ गया, सपोज दैट मान लेते हैं 100 हो गया, 1 into आपका 109 हो गया, इसको देख लीजिए बहुत इजी है, इसका आपस में क्या करेंगे, इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाईंगे तो हो जाएगा 09 लिखना है, दो अंक को लिखना रहता है। अब यहां मेरे पास 10 है, एक ऐड कर दिए 11, एक ऐड करेंगे 11, 11 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका हो गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत प्रॉफिट करेगा। सपोज दैट मान लेते हैं अगला आ जाए हमारे पास, यहां पे आ जाए, सपोज दैट मान लेते हैं 1002 हो जाए, फिर 1000 हमारा पास 8 हो जाए, चलिए इसको देख लेंगे, 8 × 16 हो गया, 8 × क्या हो गया 16 हो गया। अब हमको एक बढ़ा लेना है तो एक बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 101, यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो गया, देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रश्नों को हल कर लेना है। आइए अगला देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट मानते हैं 999 into 991, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, तब आप कैसे करेंगे देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 09, अब हमारे पास बचा क्या 99 बचा, इसमें एक ऐड करेंगे 100 हो गया 100, अब मेरे पास 99 ऊपर वाला है, 100 का मल्टीप्लाई का मतलब 20 लगा दीजिए, देखिए ये आंसर हो गया। सेम आइए अगला हम चलते हैं, देख लीजिए अगला मेरे पास ये है 9999, थोड़ा सा बड़ा करते हैं 9991, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 09, ये सेम है, इधर वाला क्या है सेम हो गया तो एक ऐड कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 999 है, एक ऐड करेंगे 1000 हो गया। अब ऊपर वाला ऐसे लिख लीजिए, 1000 में कितना 0 3 0, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके आते हैं ऐसे ही हल कर लेना है, आपको कहीं आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जहां आपको डाउट होती है वो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सर हमको इसको दोबारा आप बता दीजिए तो हम आपको बता देंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा जो है जब हमारा वीडियो बन जाता है उसके आखिर में हम आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आप कमेंट्स में जरूर बता दिया करें। केवल आपको इतना करना है, हम आपको यहाँ डाउट क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे ये पता हो रहा है कि यहाँ हमको करना है, तो एक दिमाग में ये हमारा सेट हो रहा है। यहाँ एक चीज ध्यान दिए होंगे, हमारा ये चीज ध्यान ये देना है कि लास्ट के जो इकाई की वैल्यू है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इकाई 1 है, यहाँ कितना, इन दोनों का एडिशन जब ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाए 10 हो जाए,
यही एक आपको फंडा आता ही है। फिर यहां पे हमारा हो जाए कि 9 है 1 है, कितना हो गया 10 हो गया, ये सेम है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, दोनों का एडिशन हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, हमने यहां पर भी ले लिया है 8 और 2 ले लिया, क्या ले लिया 8 और 2 ले लिया, हमारा क्या हो गया 16 हो गया। अब फिर हमको करना क्या था, हमारा यहां 100 था, अब एक ऐड कर लेंगे, देखिए दोनों सेम हो गया, तो एक ऐड करके कर लेते हैं। फिर यहां भी देख लीजिए, यहां पे क्या करना है, यहां पे दोनों को देखना है एडिशन दोनों का क्या हो रहा है, 10 हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर 10 हो गया, इधर वाला क्या हो जाए सेम हो जाए, तो उसका ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, टाइप आपका थर्ड आ गया, इसको भी कर लेंगे, वो भी बहुत आसान है। जब यदि आपके पास मल्टीप्लाई आ जाए, मल्टीप्लाई किसका आ जाए, 5 का आ जाए, 25 का आ जाए या 125 का आ जाए, मल्टीप्लाई इसका भी पूछ लेता, अब सब पूछता कि जो है 88 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 जो है 64 में मल्टीप्लाई बाई 25 या ऐसे दे दीजिए 88 × 125 तो इसका क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार हम आपको बताने वाले हैं, आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। जैसे मेरे पास हो गया 65 × हमारे पास आ जाए कि 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको करना क्या है, यहाँ एक 0 लगा दीजिए और यहाँ 0 लगा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 हो गया, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 325, आंसर कितना मिल गया 325, ये हो गया आंसर हो गया। फिर इसी टाइप देख लीजिए, अगर मेरे पास हो जाए सपोज दैट मान लेते हैं कि 44 × आपके पास 5 हो जाए, तो करना क्या हो गया, इसको कर लीजिए 2 से डिवाइड करिए, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यहाँ 0 लगा दीजिए, हो गया आंसर, हो गया कि नहीं हो गया आंसर हो गया। ये किसका मल्टीप्लाई हम आपको बता रहे थे, ये 5 का मल्टीप्लाई बता रहे थे। यदि इसी के आगे आ जाए कि हम 25 का मल्टीप्लाई करना हो, किसका मल्टीप्लाई करना हो, 25 का करना हो, तब क्या करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। सपोज दैट मानते हैं हमारे पास ये दे दिया जाए, हमारा 88 दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए 25, तो इसमें करना क्या है, यदि 25 है तो यहां हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां 100 का मल्टीप्लाई है, ऐसे कर लीजिए और डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब आपको 25 कहा जाए तो उसमें करना क्या, 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना है। जब 8 से कहा, जब 125 से कहा जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 8। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, सपोज दैट मानते हैं कि 64 × क्या हो जाए, 64 × 25, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह हमको करना क्या है, इसमें 00 × 4 कितना हो जाएगा 16, तो हो गया आपके पास आंसर आ गया कि इतना हो गया। तो इसके मतलब इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं ऐसे ही करना होता है, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा। अगला हम देख लेते हैं, सपोज दैट मानते हैं 125 का आ गया, अब इसी में हम ले लेते हैं, सपोज दैट मानते हैं 64 × 125 क्या हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए, क्या करना है आपको, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 8 हो गया, कितना आ गया आंसर, 8000 आ गया। सेम आइए नेक्स्ट करना है आपको, आइए देख लेते हैं 88 × 125 आइए सेम आइए करते हैं, 88 × 1000 / 8 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऐसे 3 0 लगा दीजिए, आपका हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके पास रहेंगे हम आपको सब बताएंगे, आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।